हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी, आप सभी छात्रों का राजस्थान एकेडमी चोरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम एचसीएफ और एलसीएम जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे। इसकी देखो बेसिक बातों का हमने उस दिन स्टडी किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे उनका भी आपने दिन किया था। आज इसी श्रृंखला में आप आगे कुछ और क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लो मेरे पास अब नेक्स्ट प्रश्न आ रहे हैं, इस बार जो मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम क्या रहा है, 14 एंड 16 इज। तो पूछा आपसे क्या कि एच सी एफ और जो एल सी एम है वो देखो आपके पास दो नंबर है उनका आपसे क्या पूछा, अभी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ऐसा करना पड़ेगा, यानी जो एच सी एफ है मेरे पास और एल सी एम उन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है और नंबर क्या देखें आपको, यानी द प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 14 एंड 16 इज पूछा आपसे। तो नंबर देखो मेरे पास क्या है, 14 एंड 16, ठीक है ना। और अब इन दोनों नंबर देखो आपसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है इसका। तो देखो आपको ध्यान रखना, जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स इक्वल आपका हमेशा क्या आता है, एच सी एफ इंटू जो एल सी एम है वो आता है। अब यहाँ पर आपको दोनों नंबर क्या निकालना है, इनका मतलब जो एल एच सी एफ और एल सी एम इन दोनों के आपको प्रोडक्ट निकालना है, दोनों का मल्टीपल निकालना है। तो ये आपका हमेशा क्या देगा, यानी आप लिखोगे एच सी एफ इंटू जो एल सी एम है वो इन दोनों नंबर के मल्टीपल क्या आ गया, बिल्कुल इक्वल आ गया, इनको मल्टीपल कर लोगे आप। तो फोर कैरी सिक्स आर ए बी फिर टू टू फोर, ये देगा दोनों का क्या, एच सी एफ और जो एल सी एम है उन दोनों का मल्टीपल है, आप इस तरह से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। एक देखो मेरे पास इसमें भी जो क्वेश्चन आ गया था नेक्स्ट मेरे पास से, जिसमें लिखा है कि आपको पूछा है एल सी एम किसका दो नंबर है मेरे पास, एक तो आ रहा है मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड मेरे पास दूसरा क्या रहा है, दूसरा मेरे पास है ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर। इन दोनों का आपसे क्या पूछा गया है, एल सी एम है वो आपसे पूछा गया है। तो देखो पहले आप इसके बाद फिल्टर कर लो, इसका फिल्टर हो गया मेरे पास ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जो ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर है उसको देगा मेरे पास कितना, ए प्लस पहले आप इसको लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाद में इनटू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके अलावा क्या देगा साथ में, ए प्लस बी और ए माइनस बी इनटू मारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए जब आपसे इसका एलसीएम पूछे तो एलसीएम का मतलब क्या देगा, इनमें जितने भी प्रकार के मल्टीपल हैं वो आपको सारे लिखने हैं फैक्टर वो डिफरेंट वाले। तो देखो इसमें दो तो आपके ही हो गए, एक तो आ रहा है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दूसरा ये वाला है। देखो इनमें से आपका ये तो आ चुका है पहले से, अब दो बच्चे कौन से, ये बचे तो ये और लिखना आपको ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको चाहो तो आप क्या कर लेंगे आगे और भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इन दोनों का मल्टीपल क्या हो गया मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, फिर तुम्हारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको आप ए की पावर फोर माइनस बी की पावर फोर कर दोगे इन तुम्हारा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से जो आप एलसीएम है वो आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। इसी श्रृंखला में आप आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जहाँ तक, तो उस क्वेश्चन में आपके पास क्या रहा है, उसमें आपके पास आ रहा है जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर है उनका आपको एच सी एफ एल सी एम दिया गया, कितना एच सी एफ तो आ रहा है मेरे पास कितना 12 आ रहा है और एल सी एम मेरे पास क्या रहा है 72 आ रहा है। इफ द सम ऑफ टू, तो देखो मेरे पास सम ऑफ टू नंबर यानी ए प्लस बी मान लो आपको, तो मेरे पास कितना रहा है 60 आ रहा है। तो बस देन वन ऑफ द टू नंबर विल बी, अब बस दोनों में से एक नंबर कौन सा होगा वो आपको अभी क्या करना है प्राप्त करना है, दोनों का सम 60 आ रहा है और आपसे उनमें से एक नंबर वो यहाँ पर प्राप्त करना है। तो देखिए पहले आप जानते हैं कि जो दोनों का प्रोडक्ट होता है यानी ए बी वो आपका एच सी पिंटू एल सी एम के इक्वल आता है। तो यहाँ ए बी मेरे पास आ रहा है 12 इंटू 72 आ रहा है और जो ए बी है वो क्या हो गया आपका, जैसे
72 को आप टोले से मल्टीपल कराओगे तो 4 14 2 और 7 4 6 और 8 ये 864 आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। अब देखिए ये तो आपके पास है ए बी की वैल्यू, ये मेरे पास क्या है ए प्लस बी की वैल्यू। अब देखो क्या करना आपस में, इस इक्वेशन फर्स्ट आप क्या करोगे बी निकालोगे, यानी बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट उसे बी आएगा मेरे पास 60 माइनस ए। अभी आपको यहाँ रखना है यानी पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन टू, तो यहाँ पर ए के इनटू आएगा मेरे पास कितना 60 माइनस ए, उधर आ रहा है 864। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके आराम से क्या प्राप्त कर लेंगे, जो इनका नंबर है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी यहाँ पर मेरे पास आएगा 60 ए माइनस ए स्क्वायर, उधर आ रहा है 864, ये सारे उधर भी दो, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस का 60 ए और प्लस में 864 इक्वल क्या आएगा जीरो आ जाएगा। अब देखो ये जो आपके पास अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सोल्व करके आप आराम से जो ए है वो प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इसके या तो आप फैक्टर बढ़ा लेंगे या फैक्टर नहीं बढ़ाओगे। तो देखो इसका एक और भी सीधा तरीका देखो हो सकता है, जैसे मान लो इस वाले देखो आपके पास देखो चार ऑप्शन थे, ये मेरे दो बार ए ऑप्शन था आपका 12 है, बी में था 24 और सी में था आपका 60 और डी में था आपका 70। इन चारों ऑप्शन में से आपको एक नंबर पूछा कौन सा होगा। अब देखो एक बात तो ये कन्फर्म है कि जो नंबर होगा उसमें क्या होगा इसका मतलब उस नंबर का जो डिवाइड है वो आपका एच एफ जो आएगा उसका उस नंबर पे डिवाइड पूरा पूरा होगा। तो 12 है तो इसमें डिवाइड हो रहा पूरा, इसमें हो रहा है, इसमें तीनों में हो रहा है, तो मतलब ये 70 तो होगा नहीं, ये तो कट होगा इसका। अब जो नंबर था नंबर का डिवाइड किस बात साथ में एल सी में बताए, तो इसका डिवाइड इसमें हो रहा है फिर इसका इसमें हो रहा है, तो ये नंबर नहीं होगा आपका। अब 12 और 24 में से आपको एक नंबर लेना है, और देखो दोनों का मल्टीपल करना चाहिए पता आपको, दोनों को ऐड करके आना चाहिए 60 और दोनों का मल्टीपल क्या आना चाहिए आपका 864 ही आना चाहिए। तो अगर आप एक नंबर को 12 लेते हैं जैसे मान लो, तो दूसरा नंबर आपका क्या देगा आपका 48 आ देगा। एक बार देखो इनको ऐड करने से आ जाएगा, जब आप इनको मल्टीपल करोगे तो देखो क्या आपका ये नंबर आ रहा है कौन सा, ये 864 वाला, इनको आप ऐसे मल्टीपल कर देख लो एक बार आ रहा है नहीं आ रहे, तो 16 के रिवन फिर 8 और 1 9 8 और ये 4 6 17, तो ये नहीं आ रहा है ना बिल्कुल, तो ये नंबर तो आपका नहीं हो सकता टोल, तो नंबर फिर क्या होगा आपका इसमें ऑप्शन जो आपका बी है वो क्या इसमें राइट ऑप्शन है वो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे आपको इसको करना था, तो इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से करोगे तो थोड़ा इजी रह जाएगा ये। अब उसके बाद देखिए बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के बारे में। देखो 30 नंबर में ये लिखा हुआ है, क्या इसमें लिखा हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज आ रहा है 20 एंड देयर प्रोडक्ट आ रहा है कितना 56.25 आ रहा है, मतलब डिफरेंस है दो नंबरों का, यानी ए माइनस बी आ रहा है 20 मेरे पास और उन दोनों का देखो प्रोडक्ट कितना रहा है, उनका प्रोडक्ट यानी जो ए बी है मेरे पास वो आ रहा है 56.25। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है टाइम्स देयर डिफरेंस और उसके बाद के ये मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है भाई, इतना इनका प्रोडक्ट नहीं है, इनका प्रोडक्ट के इतने टाइम है किसका उनके डिफरेंस का, यानी ए माइनस बी का, ए माइनस बी का जो डिफरेंस है उसका उतना टाइम है, तो आप इसको 20 से मल्टीपल कर दो साथ में, ठीक है ना, ये 20 से तो ए बी का मान क्या देगा, तो पहले आप 56.25 है इसको आप 20 से कराओगे मल्टीपल, तो 0 0 0 0 आ रहा बी, फिर 10 कैरी 1 4 एरे 5 फिर 12 कैरी 1 10 और 1 हो गया 11 फिर 0 0 5 2 1 1, तो ये आपका क्या जाएगा इसमें 11 2 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो दोनों नंबर है उन दोनों नंबर का मल्टीपल क्या है आपका ये आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन क्या लिखा आपसे, देखो इस सवाल में ऑप्शन में आपके पास क्या रहा है, एक तो इसमें आ रहा है 70 आ रहा है और बी ऑप्शन में आ रहा है 11 2 5 और सी नंबर ऑप्शन में क्या रहा आपके पास 2 2 5 और डी नंबर में आ रहा 5। तो आपसे प्रश्न में पूछा क्या है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर, दोनों नंबरों का आपको क्या निकालना है, यहाँ पर जो एलसीएम है ना वो दोनों नंबरों को आपको फाइंड करना है,
अब देखो जो एलसीएम होता है आप जानते हैं का जो एचसीएफ इंटू जो एलसीएम होता है वो दोनों के प्रोडक्ट के बिल्कुल बराबर आएगा, एबी के बराबर आएगा ये। अब जो आपका यहाँ पर एलसीएम आएगा जब आप एबी में एचसीएफ का डिवाइड करोगे तभी तो आएगा ना। अब एचसीएफ का डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका एचसीएफ यहाँ लिखोगे तो वो डिवाइड किससे होगा, एलसीएम से डिवाइड होगा। तो सीधा पता लगाने आप ऐसा करेंगे कि जो आपका यहाँ पर 1125 है पहले तो हमें देखना कि इन चारों में से किससे डिविजिबल है ये। पहले आपने उसको इससे ट्राई करते देखो इससे भी डिविजिबल आ रहा है बिल्कुल ये, इससे ट्राई करोगे तो इससे चेक कर लो आप, फिर 70 चेक कर लो तो उसके हिसाब से आपको ये पता लगाना है। इसके अलावा आप क्या देखो, अब आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करोगे यानी बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ इससे आप मतलब जो ए है उसका मान आप निकालेंगे 20 प्लस बी निकालेंगे, और यहाँ पर आपको ए की जगह क्या रखना है 20 प्लस बी रखना है इंटू बी, उधर आ रहा सेम। अब ये 20 बी हो गया, ये बी स्क्वायर उधर आ रहा है ये सेम, और मेरे पास आ गया बी स्क्वायर प्लस 20 बी माइनस ये आ रहा सेम बराबर 0 आ रहा है। अब देखो इसके आपको क्या करने पड़ेंगे, तो इसके फैक्टर आपको प्राप्त करने, तो देखो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो आपके पास क्या देगा, ये तो आ जाएगा 45b और माइनस का 25b और यार मेरे पास सेम, ये तो वो b को बनाते क्या बचेगा आपका b प्लस 45 या माइनस 25 लोगे तो क्या बचेगा आपका मान फिर से b प्लस 45। अब देखो एक तो आपका b प्लस 45 आ रहा है, एक b माइनस 25 आ रहा है। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे आप, जो आपको यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो रही है उस वैल्यू के हिसाब से एक तो b प्लस 45 के इक्वल 0 आ रहा है, एक b माइनस 25 के इक्वल क्या रहा है 0 आ रहा है, इससे b आ रहा माइनस का 45, इससे b आ रहा आपका 25। तो ये तो आपका हो गया इम्पॉसिबल नंबर ना, तो b मेरे पास क्या हो गया 25 हो गए हैं, तो b 25 है तो a कितना आएगा, b आप वापस यहाँ रख दो तो a माइनस 25 आ रहा है 20, तो a आ गया मेरे पास 45, तो ये मेरे पास ये आ गया, मेरे पास आ गया b। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, दोनों का आपसे एलसीएम पूछा है, तो अब आप क्या करेंगे 25 और 45 है इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे 5 से 5 टाइम फिर 9 टाइम। तो पहले मतलब आपने इसमें क्या कर लिया, अभी 5 से इसको डिवाइड कर लिया, अब देखो इसमें 5 से वापस किया तो 1 टाइम और ये 9, अब इसमें आप 3 का कर लो डायरेक्ट 9 से कर लो तो 1 हो गया ये। अब इनको गुणा करो 25 9 का 225, तो ये मेरे पास क्या रहा 2 to 5, इसका क्या रहा है जो एलसीएम है बहुत नंबर्स का वो आपने 2 to 5 यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। इसी तरह देखो आप इसमें कुछ और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो बात करते हैं एक देखो जैसे मान लो मेरे पास प्रश्न आया इसमें भी कुछ, जैसे मान लो डेली लाइफ के प्रश्न है जिसमें आपका प्रश्न आ रहा है कि जैसे 14 का प्रश्न है इसमें, और 14 के में ये लिखा हुआ है क्या द ग्रेटेस्ट नंबर दैट वी डिवाइड, यानी आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है जो 478 और 719 इनको अगर वो डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या रहेगा आपका 25 रहेगा। तो यहाँ पर आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है और रिमाइंडर क्या रहेगा आपका 2 और 5 आ रहे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा रिक्वायर्ड जो नंबर है ना वो प्राप्त कर लेंगे आप। रिक्वायर्ड नंबर के लिए जो इनका डिफरेंस है वो आप इनमें सेलेस कर दो, यानी 719 - 5, तो यहाँ तो मेरे पास क्या देगा 476 आ जाएगा और यहाँ पर आ गया मेरे पास 714। ये आपके पहले दोनों क्या आ गए हैं रिक्वायर्ड नंबर आ गए हैं। अब इन दोनों नंबरों का क्या निकालना आपको, जो एचसीएफ है वो आपको प्राप्त कर, मतलब जब भी आपसे ग्रेटेस्ट पूछे ना हमेशा, ग्रेटेस्ट का मतलब ऐसा क्या होता है एचसीएफ होता है, और स्मॉलेस्ट पूछ ले तो उसका मतलब ऐसा क्या होता है एलसीएम, ठीक है ना। अब दोनों का आपको उसमें क्या निकालना है एचसीएफ, तो इनके देखो आप क्या कर लेंगे दोनों के प्राइम फैक्टर कर लोगे 2 से 2 टाइम फिर 3 टाइम फिर 8 टाइम वापस 2 से 11 टाइम 19 टाइम। अब इसमें 2 का डिवाइड तो होगा नहीं, अब इसमें आप 3 का भी नहीं होगा, तो फिर इसमें आप किसका करेंगे, जब आप इसमें मतलब अब ऐसा नंबर गेस करना है जिससे क्या हो जाए आपका नंबर वो डिवाइड हो जाए, तो 7 से हो रहा है क्या 7 से भी यहाँ पर ये डिवाइड
हो रहा है, ठीक है ना, सेवन से कर लो आप इसको। तो वन टाइम पहले, फिर बचा कितना, फोर नाइन, फिर सेवन टाइम, सेवन टाइम हो गया इसे वन टाइम। और जब आप ये नंबर लेंगे सेवन वन फोर को, तो टू का केवल इसमें थ्री टाइम, फाइव टाइम, सेवन टाइम। अब उसके बाद देखो इसमें क्या करना आपको, इसमें देखो टू का डेढ़ होगा नहीं, थ्री का हो रहेगा इसमें, एट और सेवन फिफ्टीन, तो थ्री का वापस डेढ़ किया आपने, वन टाइम और नाइन टाइम। अब वापस आपने इसमें सेवन का किया, सेवनटीन और सेवनटीन का किया वन। अब जो मेरे पास यहाँ पर एच सी एफ है, एच सी एफ का मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर लेना, दोनों में टू आ रही तो सेवन आ रहा है, सेवनटीन आ रहा है, तो टू सेवन सेवनटीन आ रही है। अब इनको आप दोनों को आपस में क्या करा देंगे, इनको मल्टीपल करा देंगे, यानी फोर्टीन इंटू सेवनटीन लेंगे आप यहाँ पर, दो और फिर फोर और ये वन, एट थर्टीन के वन, तो टू थ्री एट है वो आपको इसमें इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है ना। अभी इसमें आपके क्वेश्चन, अब देखिए आगे वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर में जब आप इनका डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका हमेशा क्या रहेगा, इसमें लिख रखा है कि फोर इसका रहेगा रिमाइंडर, ठीक है ना। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना रहने वाला है, फोर रहने वाला है। साथ में वो नंबर आपका क्या आएगा, डिविजिबल आएगा किससे, बाय सेवन से। तो देखिए स्मॉलेस्ट है तो आपको हमेशा उसका एलसीएम निकालना था, यानी आप 12 है 16 18 13 का पहले आप निकालो एलसीएम। तो टू का डिवाइड किया आपने 6 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 15 टाइम, वापस टू का करेंगे आप इसमें 3 4 9 और 15, वापस टू का किया 3 2 9 और ये 15, वापस टू से किया 3 1 9 और ये 15, 3 से करोगे तो वन वन थ्री और ए फाइव, फिर वापस थ्री से वन 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 और ए फाइव, फिर फाइव से वन 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 और ए वन। अब देखो इन सब को हमें करना है पहले मल्टीपल, तो फोर एट सिक्सटीन और फोर्टी एट। अब फोर्टी एट को पहले आप कह रहे हैं फिफ्टी से मल्टीपल कराएंगे, तो इनको देखो मल्टीपल करने पर आपके पास आ जाएगा कितना, ये आपके पास आ जाएगा 720 आ जाएगा। अब जो रिमाइंडर फोर रहता है ना, तो 720 क्यू प्लस फोर कर दो आप इसमें, क्योंकि नंबर आपका सेवन से होना चाहिए, डिविजिबल भी होना चाहिए। अब नंबर सेवन से डिविजिबल होना चाहिए तो आप इसमें क्यू का मान कितना रखें ताकि ये सेवन से डिविजिबल हो जाए, तो आप इसमें बारी बार से वन जीरो ऐसे रखे दिल, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पर क्यू का मान क्या रखा फोर को ना, तो नंबर क्या आपका सेवन से डिविजिबल आ जाएगा। तो 720 इंटू फोर प्लस फोर, अब इनको आप मल्टीपल करा के सॉल्व कर लो तो आपके पास क्या देगा, ये फोर तो यहाँ पर आ रहा सेम, फिर जीरो एट ए ट्वेंटी एट, तो टू एट एट और ये फोर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन था वो आपको कंप्लीट करना था। तो ये हमने जो आज डेली लाइफ की और कुछ इस तरह के प्रश्न पढ़े थे जिनमें ध्यान रखना, जब स्मॉलेस्ट पूछे तो आपको एलसीएम निकालना होता है और ग्रेटेस्ट भी तो आपका निकालना होता है, हमेशा एचसीएम निकालना होता है। तो आज हमने इनका यहाँ तक स्टडी की है एचसीएफ एलसीएम के बारे में, बाकी कल हम नेक्स्ट वीडियो है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।